हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वणकम, सलाम वालेकम, सत श्री अकाल। और देखिए, आज हम अच्छा सा ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएंगे दोनों चीज़ों से। मूंग की धुली दाल ली मैंने और चावल, चावल जो आपके पास अवेलेबल हो, मूंग की धुली दाल हो तो ज़्यादा अच्छी है। अगर आपके पास धुली नहीं है तो आप दूसरी दाल भी, छिलके वाली दाल को भी यूज़ कर सकते हैं। दाल आप आवश्यकता अनुसार लें, और दाल और हमारा चावल बराबर मात्रा में हो। और इसको हम रोस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसको रोस्ट करेंगे 2 मिनट तक, हल्का सा गोल्डन होने तक। सिम गैस रखिएगा फ्रेंड्स, तेज पर नहीं करेंगे। और ये बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी है, आप इसको खुद खा सकती हैं, बच्चों को दे सकती हैं, टिफ़िन में दे सकती हैं, ऑफिस जाते हैं तो आप ऑफिस भी ले करके जा सकती हैं। और ये हेल्दी होगा, साथ ही साथ आपको गैस नहीं बनने देगा पेट के अंदर, और पेट भी साफ करेगा। जब ये 2 मिनट तक रोस्ट हो जाए, इसको देखिए हल्का सा इसका चेंज हो गया कलर, तो हम इसको निकाल लेंगे। और इसी पैन में उसी दाल के बराबर की मात्रा के अनुसार इसको हम चावल को 2 मिनट इसी तरह से रोस्ट करेंगे। ड्राई ही रोस्ट करना है, ड्राई ही रोस्ट करें। इसमें आप खिचड़ी का चावल भी ले सकते हैं। हल्का सा कलर चेंज होते ही इसको हम निकाल लेंगे, और दोनों को इकट्ठा करके हल्का सा ठंडा होने देते हैं। हल्के से मतलब इसकी गर्माहट निकल जाए, और फिर इसको धो लेंगे 2 बार। जब तक हमारा चावल और दाल ठंडा हो, तब तक हम आवश्यकता अनुसार जो भी आपके पास अवेलेबल है, शिमला और धनिया और गाजर प्लस हरी मिर्च, हरी मिर्च को बीच से काट लेंगे, गाजर को कस लेंगे, और इनको बारीक काट सकते हैं, और इसको भी बारीक काट लेंगे, पहले वॉश करके फिर करेंगे। ये फ्रेंड्स देखिए, मैंने चॉप कर लिया है शिमला भी, और हमारा हरा धनिया, गाजर को ग्रेट कर लिया, प्लस जिंजर भी, अदरक को भी मैंने ग्रेट कर लिया है। ये फ्रेंड्स मैंने इसको 3 बार पानी से धो लिया है, और अब हम इसको कुकर में डालेंगे, और इसका डबल, जितना भी हमने ये रॉ मटेरियल लिया है इसका डबल पानी डालेंगे। मैंने इस बाउल से लिया था तो 2 बाउल में पानी डालूंगी। इसमें नमक स्वादानुसार आप इसमें ऐड करें, और 2 विसल दे लें इसके अंदर। जब तक इसमें 2 विसल आए, हम तब तक इसमें डालने के लिए कुछ वेजिटेबल्स का टेस्टी और हेल्दी हम थोड़ा सा कुक करके तैयार करते हैं। यहाँ देखिएगा, मैं एक पैन के अंदर मैंने घी लिया है, देसी घी लिया है। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी ले सकते हैं, अगर आप सरसों का मत लीजिएगा, देसी घी लीजिएगा, नारियल का तेल ले सकती हैं, मूंगफली का तेल ले सकते हैं। और यहाँ मैंने कुछ इसमें जो हम अपनी वेजीज जो तैयार करेंगे, इसके अंदर तड़का लगाने के लिए आप देखिएगा, यहाँ मैंने करी पत्ता लिया है, लाल मिर्च, ड्राइड लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, चने की दाल है, राई है, और हमारा उड़द की दाल है, ये 1-1 चम्मच के करीब है। हींग जरूर डालिएगा, क्योंकि सुबह अगर हम इसको खाते हैं, नाश्ते में अगर लेते हैं, तो हमें हींग की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसके अंदर राई डाल देते हैं, राई के क्रैकल होते ही इसमें हम डालेंगे चने की दाल, और साथ ही उड़द की दाल, इनको भी फ्राई कर लेते हैं, सॉफ्ट कुक कर लेंगे। 1 विसल आ चुकी है हमारे गैस के अंदर, हमारे कुकर में, यहाँ 2nd विसल भी आ गई है। गैस को बंद करेंगे और हल्का सा सॉल्ट इसके अंदर ऐड करेंगे, सॉफ्ट होते ही इसमें हम कैरेट को ऐड कर देंगे, मिक्स कीजिएगा। और अब जो मसाले आपको ऐड करने हैं, आप सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। मैं इसको बेसिक से ही तैयार करूंगी। इस समय हम इसमें करी पत्ता ऐड करेंगे। मैंने शुरू में इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर ये जल जाता है और इसकी खुशबू खत्म हो जाती है। और इसी समय हम इसके अंदर हमारा हींग एंड जिंजर,
रेड चिली, यदि इस समय आपको पाउडर यूज करना है तो पाउडर यूज कर सकते हैं, गरम मसाला, चाट मसाला, मगर मैं इनमें से कोई भी नहीं करूँगी, मेरे को बेसिक चाहिए सुबह। और इसमें आप जितना चाहें वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं और जो ना चाहें उसको निकाल सकते हैं। जब ये सॉफ्ट हो जाए तब इसके अंदर आप इसमें कोकोनट जो है फ्रेश वाला भी या फिर ड्राइड कोई भी यूज जितना करना हो, एक डेढ़ चम्मच के करीब इसमें डाल दीजिए और इसको हल्का सा ढक कर के रख दीजिए। गैस को इस समय बंद कर दीजिएगा। इसको खोल के देखते हैं फ्रेंड्स और इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा कुक हो चुका है। अब हमने जो इसमें वेजी जो तैयार की हैं वो सब इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिएगा, देखिए कितना हेल्दी तैयार हुआ है। अब इसमें आप हम अपना हरा धनिया डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स तैयार हो गया। अब आप खाइए, खिलाइए और भरपूर पौष्टिक सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट में या लंच में भी ले सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं। और फुल ऑफ आप वेजिटेबल्स हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं और इस तरह से बना करके खाइए, खिलाइए। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। इसको हम आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसे पोंगल भी कह सकती हूँ। अगर हम केरल के देखें, केरल के प्रांत को देखते हुए कहें तो ये पोंगल भी हो सकता है, खिचड़ी भी हो सकती है उत्तर भारत के हिसाब से। और वेजिटेबल्स डाल करके एक अच्छा डेलिशियस पुलाव भी हो सकता है। तो खाइए, खिलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।